मदर नेचर ने हम इंसानों के लिए एक से बढ़कर एक तोहफे दिए हैं। खाने की बात करें तो विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों के अलावा मदर नेचर ने महासागर में कई तरह की मछलियां हमारे लिए पैदा की हैं। एनिमल फूड में मछली का मांस सबसे स्वस्थ और सुरक्षित माना जाता है। मछली के मांस में विटामिन, मिनरल्स और गुड फैट की बहुतायत होती है। मछली का मांस हमारे दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि मछली को अगर रेगुलर खाया जाए तो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी कई और परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। तो चलिए साथियों, आज हम आपको भारत में मिलने वाली उन 10 मछलियों के बारे में बताते हैं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा खाई जाती हैं और जिनके मांस में हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाले मिनरल्स और विटामिन की भरमार होती है। रोहू मछली को हर वो शख्स जानता है जो मछली खाना पसंद करता है या मछलियों के बारे में जानकारियां रखना पसंद करता है। भारत के कुछ हिस्सों में इस मछली को कार्पो मछली कहा जाता है। नदियों और तालाबों में पाई जाने वाली रोहू मछली में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। रोहू मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ए बी सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर मुमकिन हो तो हफ्ते में कम से कम एक दफा रोहू मछली जरूर खानी चाहिए। रानी मछली को अंग्रेजी में पिंक पर्च भी कहा जाता है। हमारे देश के कई इलाकों की नदियों और तालाबों में ये मछली पाई जाती है। ये मछली आकार में छोटी और दिखने में गुलाबी होती है। इस मछली का स्वाद काफी माइल्ड होता है। बात अगर फैट की हो तो इस मछली में मात्र 4-5% फैट होता है। अंग्रेज इस मछली को लीन फिश कहते हैं। वो लोग जो वजन कम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मांस का स्वाद भी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये मछली एक बढ़िया विकल्प हो सकती है। हमारे देश में पाई जाने वाली मछलियों में सुरमई उन मछलियों में गिनी जाती है जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये मछली नदियों या तालाबों में नहीं बल्कि हिंद महासागर में पाई जाती है, यानी ये एक समुद्री मछली है। अंग्रेजी में इस मछली को किंग मैकरेल मछली कहा जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस मछली को 15 दिनों में एक बार खाना चाहिए। अगर रोज ये मछली खाई जाए तो शरीर को नुकसान हो सकता है क्योंकि इस मछली में मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब ये मछली खाई जाए तो कोई और मछली कुछ दिनों तक नहीं खानी चाहिए। साथ ही ये मछली कहीं से भी नहीं खरीद लेनी चाहिए। ये मछली सिर्फ ऑथराइज्ड फिश शॉप से ही लेनी चाहिए। इंडियन सामन या फिर फोर फिंगर थ्रेडफिन भी कही जाने वाली रावस मछली हमारे देश में लगभग हर कहीं मिल जाती है। हम इंसानों के मसल्स टिश्यू की सेहत के लिए इस मछली में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इस मछली में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में मददगार साबित होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वजन बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इस मछली में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम रावस मछली में 22-26% तक प्रोटीन होता है, इसीलिए एक्सपर्ट इसे हफ्ते में केवल 170 ग्राम तक ही खाने की सलाह देते हैं। कई दफा इस मछली में पीसीबी जैसा विषाक्त तत्व भी पाया जाता है, इसलिए भी इसे बहुत ज्यादा नहीं खाने की सलाह एक्सपर्ट्स देते हैं। उत्तर भारत और असम की झीलों और नदियों में बड़ी तादाद में पाई जाने वाली कतला मछली प्रोटीन्स और विटामिन्स का बढ़िया स्रोत है। वजन कम करने के लिए मेहनत कर रहे लोगों के लिए ये मछली वरदान साबित हो सकती है। पारंपरिक उत्तर भारतीय तरीके से बनाई जाने वाली इस मछली का स्वाद बड़ा लाजवाब होता है। ये मछली बेहद लोकप्रिय है, इसलिए इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। पापलेट या पोम्फ्रेट के नाम से पुकारी जाने वाली इस मछली को अंग्रेज इंडियन बटरफिश भी कहते हैं। हिंद महासागर और अरब सागर में बहुतायत में पाई जाने वाली यह मछली केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में मछली खाने वालों की पसंदीदा है। इस मछली का स्वाद बड़ा ही डिलीशियस है। प्रोटीन तो इस मछली में प्रचुर मात्रा में होता ही है, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड की तो इस मछली में बहुतायत होती है। भारत में ब्लैक पोम्फ्रेट और सिल्वर पोम्फ्रेट सबसे अधिक पसंद की जाती हैं। भारत
भारत के बंगाल राज्य में ये मछली बेहद लोकप्रिय है। वहीं बांग्लादेश ने तो इस मछली को नेशनल फिश घोषित किया है। ये मछली सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी पाई जाती है। हालांकि इस मछली के शौकीन आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे, और केवल भारत में ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में इस मछली को लोग बड़ा पसंद करते हैं। हिल्सा भारत की सबसे महंगी मछलियों में से एक है। एक किलो हिल्सा मछली के लिए 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा शिकार के चलते भारत में हिल्सा मछली कम होना शुरू हो चुकी है, इसलिए बंगाल में कई लोगों ने इस मछली को कम खाना शुरू कर दिया है। बांगड़ा मछली को अंग्रेजी में कहा जाता है इंडियन मैकरेल। इस मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही इस मछली में सेलेनियम भी पाया जाता है, जो कि दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस मछली के नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ता है तथा आंखों की रोशनी के लिए भी इस मछली का मांस लाभप्रद होता है। इस मछली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इस मछली को हर कोई खा सकता है। इस मछली में विषाक्त तत्व भी नहीं होते हैं। कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में ये मछली बेहद लोकप्रिय है। कैडवी नाम से पुकारी जाने वाली इस मछली को अंग्रेजी में इंडियन ऑयल सार्डिन कहा जाता है। ये मछली विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होती है। इस मछली के लगातार सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, साथ ही शरीर में किसी भी तरह की सूजन को खत्म करने में भी इस मछली का मांस मददगार साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इस मछली के सेवन से तनाव से भी मुक्ति मिलती है। सिंघाड़ा मछली भारत में हर जगह पाई जाती है। इसकी कीमत भी एकदम वाजिब होती है, तो इसे गरीब भी सप्ताह में एक बार तो खा ही सकते हैं। अंग्रेजी में इसे कैटफिश कहा जाता है। इस मछली में भी प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। कहा जाता है कि सप्ताह में एक आदमी को कम से कम 150 ग्राम सिंघाड़ा मछली तो खानी ही चाहिए। इससे शरीर को काफी मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स मिल जाते हैं।